हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल निधि मॉम एंड फूड। और आज हमने घर की ही कुछ चीज़ों से बनाई है ये मिठाई, जो मुंह में रखते ही घुल जाएगी। और आप देखिए, देखने में ही कितनी डिलीशियस लग रही है। तो आपको कोई ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे किचन में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और उसी से हम बनाएंगे इस मिठाई को। तो आप देख रहे हो कितनी सॉफ्ट और कितनी यम्मी लग रही है कि इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। एकदम मावेदार लग रही है ना, इसमें हमने कोई मिल्क पाउडर, ना मावा, ना घी, किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। अभी तो मैंने रख दिया है एक तवा गर्म करने के लिए, और उस पर मैंने आधा कप ले लिए हैं फली के दाने। उसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि हम इसके छिलके निकाल लेंगे। और आधा कप ही हम लेंगे सफ़ेद वाले तिल। इसको तो बस आपको आधा मिनट ही रोस्ट करना है, क्योंकि ये फटाफट से चटकने लगते हैं, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, और उसको भी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ठंडा हो जाएगा तो इसका हम एक पाउडर बना लेंगे। और मैंने रख दी है एक कढ़ाई गरम करने के लिए, तो उसमें मैंने ये वही वाला कप है जिससे हमने ये सारी चीज़ें ली थी। तो मैंने ये 1.5 कप इसमें मैं फुल फैट मिल्क मिलाऊंगी। तो जब हम मिठाई बनाते हैं ना, तो हमें फुल फैट क्रीम ही मिल्क लेना है, ताकि हमारी मिठाई बिना मावा के भी बहुत मावेदार बनेगी। तो अभी हाई फ्लेम पर हम थोड़ी देर दूध को अच्छे से उबलने देंगे। दूध में अच्छे से 2-3 बॉईल आ जाए तब तक इसे उबलने देना है, और थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि आसपास जो भी परत जम जाती है ना, उसको हमें चम्मच से तुरंत ही निकाल लेनी है, ताकि हमारा जो मिठाई है एकदम मावेदार बनेगी। अगर चम्मच से नहीं निकालोगे ना, तो ये पूरा ऐसे ही चिपक के वेस्ट हो जाएगा। तभी मैंने ये आधा कप ले ली है पिसी हुई चीनी। थोड़ा लाइट का इश्यू आ रहा है तो ऐसे लग रहा है आपको, आप चाहो तो 1 कप भी ले सकते हो, बट मीठा मेरे घर में थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा कम मीठा बनाती हूँ, इसलिए मैंने शुगर का कम यूज़ किया है। तो अभी जो हमने तिल और मूंगफली के दाने का जो पाउडर बनाया था ना, वही 1 कप भर के इसमें हम डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको। चम्मच से इसको आपको घुमाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और मैंने वही वाला 1 कप भर के ले लिया है डेसिकेनेट कोकोनट। तो ये हो गया 2 कप। तो इस हिसाब से आपको 1 कप चीनी डाल सकते हो, बट ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको मीठा कितना पसंद है। तो अभी इसको हम अच्छे से घुमाते हुए पका लेंगे। तो इसको आपको तब तक पकाते रहना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। तो इसको हमने अच्छे से पका लिया है अभी, और बस बाकी है हमारा इलायची पाउडर मिलाना। तो इसमें हम फ्लेवर के लिए मिला देंगे इलायची पाउडर, और एक बार उसको अच्छे से फिर से करेंगे मिक्स। तो ऐसी मिठाई है ना, बहुत फटाफट बन जाती है। तो अभी दिवाली आ रही है, तो अगर हमारे पास कोई मिठाई नहीं भी बनी हुई है और अचानक से आ जाता है कोई मेहमान, तो हम ऐसे फटाफट बना सकते हैं। तो अभी इसको हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और थोड़ा सा चम्मच से हिलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। बस अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसे हम डो की तरह मसल लेंगे थोड़ा सा। हमने इसमें घी तेल कुछ भी नहीं मिलाया है, फिर भी हम जो डेसिकनेट कोकोनट और ये पीनट और जो तिल का पाउडर मिलाते हैं ना, उसी से ये इतना ऑयली हो जाता है। तो इसको हम इस तरह एक लॉन्ग बना लेंगे इसका, और इसको मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पर रख के, ये मैंने जो मुरमुरा आता है ना, उसका ये पेपर कट कर लिया है, यानी कि प्लास्टिक शीट है। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तब उसका भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी आप ऐसा प्लास्टिक का पेपर हो उसका आप यूज़ कर लीजिए। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे कि बादाम, काजू और एक किशमिश ले लिए हैं, उसको मैंने थोड़ा सा कूट के दरदरा कर लिया है। और उसको यहाँ हम फैला के, हमने जो ये लौंग बनाई है ना, उसको उसमें थोड़ा सा ऐसे रोल बनाते हुए घुमाएंगे, ताकि जो ये जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इसकी लंबाई और मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो,
जिस तरह आप शेप देना चाहो इसको दे सकते हो। मैं इस तरह इसको इतना सा फैला के अभी ये जो पेपर है उसको रोल कर देती हूँ। ऐसे रोल करके इसके जो आइट साइड के किनारे है उसको भी थोड़ा आपको कवर कर लेना है अच्छे से। और अगर आपका अच्छे से ये नहीं सेट हुआ है तो आपको इस पेपर में ही रख के इसको थोड़ा सा और रोल कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके घुमा सकते हो ताकि इसका शेप बहुत अच्छे से आ जाए। तो अभी मैंने इसको कर लिया है कवर और इसे अभी हम रखेंगे आधा घंटे के लिए फ्रिज में। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट भी रख सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको एक डेढ़ घंटे तक भी रख सकते हो, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको निकाल दिया है फ्रिज से, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी हमें इसकी करनी है कटिंग। इसके लिए हमें एक लेना है शार्प चाकू ताकि इसकी कटिंग हो जाए फटाफट से। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके जो दोनों साइड का जो पार्ट है ना उसको थोड़ा थोड़ा हम कट करके निकाल देंगे। तो आप देख लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट इतने अच्छे से सेट हो चुके हैं इसके ऊपर। तो अभी दोनों किनारों को मैं करती हूँ रिमूव, उसके बाद हम मिठाई को देंगे उसका प्रॉपर शेप। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बना के भी देखना फ्रेंड्स कि ये रेसिपी कैसी बनती है, और मुझे कमेंट करके भी बताना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसे शेयर करना। तभी हमने इसको एक ही शेप में कट कर लिया है, एक ही साइज में। आप इसको चाहो तो अपने पसंद को उसको पेड़े की तरह भी शेप दे सकते हो। मैंने इसको ऐसे रोल बना के काट लिया है ताकि ये बन भी फटाफट जाता है। तभी जो किनारों का जो पार्ट था उसको हमने निकाल कर साइड कर लिया है। तो आप देख रहे हो देखने में कितना यम्मी लग रहा है ये। तो बस इसमें ना कोई हमने महंगी चीज़ों का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर, ना मैदा, ना बेसन, ना सूजी, कुछ भी नहीं। बस हमने घर की चीज़ों से इसे बनाया है। तो आप देख सकते हो ये कितना बना है टेस्टी और डिलीशियस यम्मी सा कि देखते ही खाने को मन करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।